नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदाम नामक एक व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सदाम लोगों से पैसे का मांग करता है और पैसे नहीं देने पर वह ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। इससे पहले भी वह 10 मोटरसाइकिल, 2 टेम्पो और 3 कार को जला चुका है। स्थानीय लोग इस हरकत से परेशान हैं और वहां आए दिन कोई भी वाहन को आग के हवाले कर दिया जाता है। पीड़ित व्यक्ति ने थाने में FIR दर्ज करा दिया है। पुलिस के छानबीन के दौरान वह फरार पाया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पैसा का डिमांड करता है, पैसा नहीं देने से जो पैसा नहीं देता उसका गाड़ी में आग लगा देता है। इससे पूर्व भी किया है? इससे पूर्व भी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे चुका हुआ है आग लगाने की। कम से कम 10-12 गाड़ी को आग लगा चुका हुआ है। तो थाना में आप लोग गए? हाँ, थाना में एफ आई आर किए हैं। क्या बोला थाना? थाना वाला आया था कल रात को, उसके घर पर किया तो घर पर मिला नहीं, फरार पाया गया है। ठीक है, खोजबीन उसका हो रहा है। गिरफ्तारी की मांग है उसका। और इसका इससे पूर्व में कितने गाड़ी को आग लगा? कम से कम 12 से 15। क्या शुभ नाम आपका? आशीष अली। जगह का नाम? शास्त्री नगर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।